हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज हम देख रहे हैं चांद छुपा बादल में का फिंगर स्टाइल लेसन। हाँ दोस्तों, फिंगर स्टाइल अभी मैंने ठान लिया है कि मैं भी थोड़ा ट्राई करूँगा सीखने का फिंगर स्टाइल। अभी रिसेंटली मैंने कवर डाला था तो आप सबको बहुत पसंद आया, तो मैं सोचा कि जितना मुझे आता है उतना तो आपको सिखा ही सकता हूँ। ऑल्सो गाइस प्लीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि वो एक जीशान इकबाल करके एक बहुत बढ़िया गिटारिस्ट है, उनका अरेंजमेंट है, मेरा खुद का नहीं है, एंड आई हैव मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिए कि भाई ये इनका अरेंजमेंट है, आप कैसे ये कर रहे हो। मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ भाई, उनका ही अरेंजमेंट है और वो मैंने सीखा है उनको देख देख के। तो उनको थैंक यू बोलिए कि उनकी वजह से मैं सीख पा रहा हूँ। तो काफ़ी सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया है। जी माइनर की स्केल पे है तो हमको केपो लगेगा, है ना। तो थर्ड फ्लैट पे केपो लगा के हम लोग सब प्ले करेंगे। जो टैब्स आएंगे ऊपर वो विथ रिस्पेक्ट टू केपो है, तो थर्ड पे केपो लगा के भी अगर मैं थ्री बोल रहा हूँ तो वो थर्ड को केपो लगाने के बाद थ्री है, ठीक है गाइस, मतलब वो एक्चुअल में सिक्स हो जाएगा, है ना, तो वैसा रहेगा, ठीक है। तो आप विदाउट केपो भी प्ले कर सकते हो, टैब्स तो सेम ही रहेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पे केपो आएगा हमारा और ई माइनर स्केल है तो वो जी माइनर हो गया, ठीक है। तो जीशान जी ने इस पे क्यों किया, ताकि वो सिंपल हो जाए अरेंजमेंट, बट स्टिल इट विल साउंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हम लोग ऊपर जो टैब जाएंगे गाइस वो थोड़े से डिटेल्ड है, बट मैं जो अभी सिखाऊंगा वो सिर्फ बेस नोट्स और जो लाइन चल रही है वो बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ईजी जाए प्ले करने में। और उसके बाद आप लोग आपका जो भी आपको उसमें आपकी खासियत डालनी है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे, ये दो लाइन सीखते हैं, ठीक है। तो पहला कॉर्ड बज रहा है हमारा ई माइनर और दूसरा बज रहा है ए माइनर, ठीक है। तो फर्स्ट ई थ्री और ई स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग बी स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, ठीक है, और फिर से बी स्ट्रिंग ओपन और ई थ्री, तो ये थोड़ा लगे। अब उसके बाद ये लाइन है हमारी, ठीक है। तो बी जीरो बी वन बी जीरो जी टू, अभी हम लोग जब बी वन प्ले करेंगे तब हम लोग ए स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, ठीक है। तो ए बेस नोट बज रहा है हमारा। तो अब यहां पे आप एक हैमर ऑन पुल ऑफ भी ले सकते हो, ठीक है। सॉरी, स्ट्रिंग्स थोड़ी सी बस कर रही है, नई नई स्ट्रिंग्स लगाए हुए मैं हमारे नए गिटार को, तो इसका भी मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो थोड़ा लोगे अभी, हम डी मेजर पे आएंगे और हम लोग एक फिंगर रोल करेंगे। फिंगर रोल नहीं आता है कोई बात नहीं है, ई टू और डी स्ट्रिंग साथ में प्ले करेंगे हम लोग, डी स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, देन जी टू और ई टू, तो टोटल हो गया, ठीक है। तो अभी तक टोटल भी थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे थे हम लोग, अभी मैं पहले सिर्फ आपको लीड बताता हूं और फिर हम लोग बेस नोट क्या यूज करें वो बताता हूं। तो लीड ये बजेगा, ठीक है, जी टू बी ओपन जी टू ओपन जी टू बी ओपन बी फोर ई ओपन ई टू, तो टोटल अभी यहां पे हम लोग जी मेजर प्ले कर रहे हैं। तो जब हम लोग बी स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे तब जी नोट प्ले करेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे बी मेजर बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बी ए टू का बी नोट लेंगे, ठीक है, और बी ओपन पे प्ले करेंगे, तो ठीक है, तो ये ओपन प्ले करेंगे, ये बी फोर भी प्ले करेंगे और ई ओपन ई टू, तो टोटल हो गया तो ये इतना टोटल कितना हो गया हमारा, ठीक है इतना हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पूरा सेम है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, जैसे कि तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग का पूरा सेम है, बस यहाँ पे पुल ऑफ कर रहे हैं, पुल ऑफ और हैमर ऑन 3 2 3 विथ ई बेस नोट, ठीक है, फिर बी स्ट्रिंग ओपन और फिर से ई 3, तो टोटल ठीक है। अभी ये हरकत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 B0 B3 फिर B1 से B3 हैमर ऑन पुल ऑफ, फिर पुल ऑफ करेंगे हम लोग 1 से 0 और G2, तो यहाँ पे बेस नोट कब आएगा, जब 1 से 3 हम लोग हैमर ऑन पुल ऑफ कर रहे हैं तो तब बेस नोट आएगा, ठीक है, तो ये टोटल हो गया। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एक रन है, रन बोलेंगे हम लोग या फिर वॉक बोलेंगे, नोट वॉक, तो यहाँ पे हम लोग फिर से बज जा रहा है, फिर तो G2 B3 और E ओपन, फिर डी अकॉर्ड, तो डी पकड़ के मिडल फिंगर से हम लोग 2 0 2 हैमर ऑन पुल ऑफ करेंगे सॉरी, और हैमर ऑन, फिर जी और ई स्ट्रिंग, देन तो ये टोटल हो गया, स्लाइड 2 ई स्ट्रिंग ओपन और A3, दो बार ई स्ट्रिंग और A2 और B4, तो ये सी बज रहा है एक्चुअली, सी मेजर और ये बी मेजर, तो इसके बाद बजते हैं, तो ये सीखते हैं अभी हम लोग, तो गाइस अभी नेक्स्ट पार्ट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है गाइस, तो हम लोग ये B4 पे ये रखेंगे पिंकी फिंगर, B4 ई ओपन, अभी तो हमको ये बार पूरा लगाना है क्योंकि हमको ये बी बेस नोट बजाना है, ठीक है, हम लोग जब बी बेस नोट बजा रहे हैं तब हम लोग ई का सेकंड नोट भी बजा रहे हैं, ठीक है, फिर ओपन, फिर से सेम, तो ये ऐसा होगा, समझा, तो ये दो बार बजेगा, ठीक है, अभी तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग सेम है,
बी फोर, ई ओपन, फिर तो जीरो से हम लोग ई जीरो से हम लोग ई थ्री पे हैमर कर रहे हैं और साथ में सी बेस नोट बजा रहे हैं, ठीक है, तो ए का थ्री, तो और नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग सेम बी फोर ई जीरो, फिर ई के टू से थ्री हैमर ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले था हमारा, फिर डिफरेंस है गाइस जीरो टू थ्री, टू टू थ्री, ठीक है, तो टोटल अभी उसके बाद तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं थ्री से सेवन और फिर फाइव फाइव दो बार, अभी सेवन सेवन पे भी स्लाइड जब करेंगे तब लोग हमको डी बेस नोट बजाना है और फिर फाइव फाइव, तो टोटल ठीक है, उसके बाद स्लाइड करेंगे हम लोग फाइव से सेवन, फिर सेवन पे एक बार हिट करके बेस नोट के साथ डी बेस नोट के साथ बैक स्लाइड करेंगे हम लोग टू पे, फिर पुल ऑफ टू टू जीरो, फिर बी बेस नोट लेंगे हम लोग ए का टू और ई स्ट्रिंग पे जीरो टू टू हैमर करेंगे, फिर ओपन सॉरी बी फोर, तो ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, ये बहुत पसंद है मेरे को, तो टोटल यहां से एक बार प्ले करता हूं मैं, ठीक है, अब उसके बाद तो बी फोर ए टू साथ में प्ले करेंगे हम लोग, फिर बी फाइव ए थ्री साथ में प्ले करेंगे और बी सेवन और ए फाइव, तो टोटल तो टोटल यहां से उसके बाद फिर से स्टार्टिंग वाला, तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा, थोड़ा सा हार्ड है और मैं फिंगर स्टाइल सिखाने में बहुत बुरा हूँ, तो प्लीज़ मेरी गलतियाँ थोड़ी सी माफ़ कर देना, बट अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो मैं और बिगिनर वाले भी फिंगर स्टाइल डालने की कोशिश करूँगा अभी, तो ये लेसन के लिए इतना ही, अगर इसका कवर नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा है वो देखिए, मेरे टॉप थ्री सोलोज भी देख सकते हो आप यहाँ पे, और सब्सक्राइब यहाँ से करो दोस्तों जल्दी जल्दी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।